देखो उन्होंने कूद कूद के चेरियां पकड़ियां वो देखो। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन अ न्यू डे न्यू ब्लॉग। और आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है पहाड़ों से, और तो अन्ना भी उठी है, कैसा लग रहा है? अभी उठी है, मैंने उठाया जुट्ठी, मैंने उठाया, मैं उठा हूँ, ये मैंने उठाया, मैं कितना टाइम हो गया। झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रहे हो। तो गाइस नीचे मम्मी पापा भी उठ गया, तीनों, और देख रहा अभी उठी है वो भी, ये लड़ रही थी अन्ना मेरे से और ये भी उठ गई है। तो अभी चलते हैं, ड्रोन उड़ाते हैं और उसके बाद फिर टाइम से मनाली निकलेंगे। टाइम क्या हो रहा है अभी? 6:30 हो गए। तो अभी टाइम हो रहा 6:30 और प्लान है कि 7:30 तक निकल जाए, 7:30 लास्ट 8 बजे तक बस। यहाँ से मनाली 3-3.5 घंटे का रास्ता होगा। तो उठ जा, तो ना फटाफट उठ जा, जल्दी कर, जल्दी कर, उठ जा, शाबाश, जल्दी कर, उठ जा। देखो बालकनी में आया और यहाँ पे व्यू देखो एक नंबर का। तो निकल रहे हैं चेकआउट के लिए, नीचे जा रहा हूँ बिलिंग वगैरह के लिए, और उसके बाद अपना निकलते हैं मनाली। अभी सब तक हम भैया को भी लगेज वगैरह ऊपर से नीचे तक ले आए, सब कुछ हो गया, बस लगेज आ रहा ऊपर से। और ये देखो मम्मी का सुबह सुबह डिमांड है, यही गुलाब तोड़ के दो, मैंने मना कर दिया, कोई नहीं तोड़ना, नहीं लेना, मनाली जाके होटल पापा कह रहे वहीं जाके देखेंगे, ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं बुक कराना। तो गाइस यहाँ रुके हैं, यहाँ पे पापा को पेड़ दिख गया, यहाँ पे ना हिमाचल का फ्रूट है खुमानी, तो वो तोड़ने के लिए उनको पेड़ दिखा पापा को, तो कह रहे हैं वो तोड़ूंगा। ये देखो खुमानी बोलते हैं इसको, आड़ू जैसे होते हैं, ये देखो ये रहा, पापा कहते तोड़ के जाऊँगा, मतलब पंगे मत लेना पापा, नहीं तोड़ती तो। ये जंगलों में से खुमानी तोड़ी जा रही है यहाँ पे देखो। तो पापा एक मिनट यार, ये तोड़ लिए, ये तोड़ लिए, बस बहुत है, आ जाओ दिखाना, ये पता नहीं खाने वाला लायक है भी कि नहीं, ये रही खुमानी है देखो। चलो अब चलें यार, ज्यादा नहीं रुकना यहाँ पे, आगे अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। मम्मी को लगा आंवले हैं, वो देखो खा रही, कैसी मम्मी, रहने दो मत खाओ बस, फिर चलो चलें, चटनी बना के खाना घर। ये हॉट एयर बैलून पापा को समझा रहा हूँ क्या चीज है, कहते उड़ेगा कैसे। तो वैसे यहाँ रुक ही गया पापा, कहते मुझे दिखा के ला क्या चीज है, ये देखो ये हॉट एयर बैलून। और देखो पापा अभी स्पेशली उतरे हैं समझने के लिए क्या चीज क्या, कैसे उड़ेगा ये, अभी कोई बैठेगा तो उड़ाएंगे ना, चलना है क्या इसपे, डर लगेगा, पापा देख रहे हैं वो देखो, ये उड़ने वाला है अभी। और 15 मिनट हो गए, इतना जाम लगा हुआ है यहाँ से, 6-7 किलोमीटर रह गया सिर्फ मनाली, शिमला वाला हाल हो गया है। तो फाइनल तो हो गया होटल, और अभी आपको रूम टूर देता हूँ, बस लगेज वगैरह अभी गया ऊपर रूम में, एक रूम रेडी हो रहा है, एक रूम अवेलेबल है, तो अभी ऊपर जाके आपको रूम टूर देता हूँ। फिर से 408, पहले 402 था, 408। ये रहा अपना वॉशरूम, जकूजी वगैरह भी है, बाथटब, अच्छा बाथटब है। तो ये रहा बेडरूम, ये अपना और ये हीटर वगैरह भी दिया, मतलब यहाँ का, हाँ इसका मतलब ठंड होने वाली है। तो ये बालकनी पीछे, ये मज़ेदार है, एक रूम हमारा ये है, एक रूम हमारा ये है, मम्मी खुश हो गए, ये हमारा एरिया है देखो, ये बैठने वाला, ये तो मम्मी कह रही है अब यहाँ, वहाँ से तो रोज तोड़ने दिए, यहाँ से तो गुलाब का पत्ता लेके जाऊंगा, गाइड में दिखाऊंगी भी। तो वैसे अभी करते हैं रेस्ट, उसके बाद निकलेंगे माल रोड। वैसे मम्मी पापा के लिए तो वहीं से कर दिया ऑर्डर, और मतलब होटल में कर दिया, और हम जा रहे हैं माल रोड एक्सप्लोर करने, तो वहीं कुछ कुछ एक्सप्लोर करते हैं माल रोड जाके, फिर रात में फिर आएंगे, ठीक है। ओ सामने मौसम देख, रौनक कितनी सही है, खाना पीना तो हो
गया। कोई अच्छा सा कैफे देख रहे हैं जहाँ पे कॉफी अच्छी मिलती है, कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी भी है ना स्पेसिफिकली, हॉट कुछ भी चलेगा मैडम, तो कुछ भी चलेगा, पेट भर गया ना अब कुछ भी चलेगा इसको, उसको भूख लगी तब देखा करो। तो भाई यहाँ कॉफी बैठे कॉफी तो लेनी, आइस टी प्लस और जूस, और साथ में ये गिटार दिखा, और गिटार बजा रहे हैं। तो मैंने मोबाइल लेके क्या है ये लुगड़ी चीज़ के कैसा है, मैं लोकेशन डाल दूँगा कभी मनाली आओ मॉल रोड पर एक नंबर के पे। और रोनियन बाटी अगर कोई जानता है मेरा सब्सक्राइबर, तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उन्होंने रिकमेंड कराया प्लेस, तो मैं लोकेशन डालूंगा फॉर श्योर, उनकी रिकमेंडेशन पे आया था, और कल को कोई मेरे को देख रहा तो मेरे रिकमेंडेशन पे हो बेस्ट प्लेस। तो गाइस वहाँ से निकला है, मस्त इंजॉय हो गया, तो गिटार बजा लिया कैफे में, और आइस टी ले ली, कॉफ़ी का प्लान कैंसिल हो गया, चीनों ने जूस पी लिया और मैडम ने चीज़ केक खा लिया। अब चलते हैं थोड़ा आगे एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद चलते हैं होटल, जा रहे हैं होटल। और हाँ बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई हल्की हल्की, चलते हैं होटल। और शाम को फिर अभी क्या बजे 3 बज गए, शाम को देखते हैं थोड़ी देर रेस्ट करके मम्मी को भी लेके आएंगे। थोड़ी देर नैप ली थी और अभी उठा हूँ, अब चलते हैं मम्मी पापा के रूम में, अब देखते हैं क्या कर रहे हैं। राजा तो खुला ही हुआ है, अरे मजे हो रहे हैं, क्या बात, मुझे लगा सो गए होंगे। पापा देख रहे हैं टीवी और मम्मी अपना मस्त कोजी कोजी हो रखी है, चलो ठंड है भाई यहाँ पे, तो ठंड लग रही है भाई, इतनी तेज हवा चल रही है, हो जाएगा देखो इतनी तेज हवा चल रही है यार, नहीं उठ सकता, क्या करेंगे अब। ये देखो देख रहे हो, ये है मनाली का पावर, कोई जड़ी बूटी खाने की जरूरत नहीं है, एनर्जी आ जाएगी ऐसी। देखो दोनों कैसे लगे हैं, देखो देखो, ओ वाह वाह जी वाह, चीनू आई प्लेयर मैदान में, ओ देखो ये मारे, ये देख लगाई नहीं इसने, कॉटेज भी है इस होटल में, देखो पार्क ही बना हुआ है। चेरीज थोड़ी थी ये देखो, ये चेरीज तो भैया खड़े थे, मैं हम खाने लगे थे, भैया कहते खाना मत वाइल्ड लेंगे तो भाई पेट खराब हो जाएगा, तो चुपचाप इसको यहाँ रख दी, चीनू गई स्पेशल तोड़ने, ये नहीं खानी, आगे एक और पेड़ बताया उन्होंने, वहाँ चलते वो तोड़े खाएंगे। भाई ग्रीनरी बहुत है यार यहाँ पे, तो देखा ये छोटे छोटे प्लांट्स कितने प्यारे लग रहे हैं, चेरियां तोड़ तोड़ खा रहे हैं, ये भाई वाइल्ड बेर चेरीज हैं, ये मत खाओ, नहीं वाइल्ड नहीं है, मैं आपको लाल वाली देखो चेरी कितनी लगी है, ओहो सो मम्मा ये देखो ये चेरी तोड़ी है इन्होंने, अपने होटल में चेरी का पेड़ है, चवन्ना ने कूद कूद के चेरियां पकड़ी है, वो देखो अभी सारे आ गए मम्मी के साथ, मम्मी पापा चीनू टीनू मीनू सब जा रहे हैं, हम आए थे तब इतना रश नहीं था, अब यहाँ रश देखो कितना हो गया, ओ भाई। तो भाई यहाँ पे आए थे सिद्धू लेने, और ये मनाली की फेमस डिश है, yes, ये भैया ये मनाली मोमो किंग, जब भी आओ तो भैया ये जरूर लेके आना, मस्त पहले खाए थे हमने लाफिंग लाफिंग, हाँ लाफिंग लाया था उन्होंने, एक नंबर का बनाया था, अभी ये ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ का फेमस है ये, जब भी आओ मनाली मोमो किंग में आओ, लाइक सब्सक्राइब कर दो, भाई के मिलियन से भी ऊपर होने चाहिए, मिलियन से ऊपर क्या टीचर लोग आने होना चाहिए सर, पापा मम्मी तो चले गए, हम तीनों रह गए हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या करेंगे। आज हम आए हैं एक अगेन रोनियन बाटी के रिकमेंडेड पे, एक चॉपस्टिक रेस्टोरेंट है मॉल रोड पे, तो वहाँ आए हैं अब यहाँ पे, बट एक चीज़ है यहाँ पे सर्विस बहुत लेट है, अभी कितना टाइम हो गया मैं ऑर्डर करा अभी तक नहीं, और हमने क्या मंगाया, तिब्बतन फूड मंगाया, कौन सा मैं कौन सा फूड मंगाया, अच्छा हमने एक वो मंगाया वेजिटेबल्स में तिब्बतन, और एक चाइनीज मंगाया, ठीक है राइट, तो बट हमें 15 मिनट हो गए, हम मानते हो सर्विस लेट है यहाँ पे, बट देखते हैं अब इसके बाद मैं बताऊंगा कि उनके रिकमेंड में जो कैफे गया था बीन कॉफी हाउस, वो तो बहुत तगड़ा था, दाना कॉफी हाउस एक नंबर का, ठीक है सेकंड, मैं दोनों की लोकेशन डाल दूंगा, बट खाने का फीडबैक दूंगा आपको कैसा है कैसा नहीं, मतलब लोकेशन नहीं नाम डाल दूंगा, ठीक है अगर मैं ध्यान से देखा, पर नाम तो पता हो ना एटलीस्ट। चिली खाना आ गया, दिस इज चिली गार्लिक नूडल्स एंड दिस इज वेजिटेबल सोयाबीन पनीर मिक्स है आई गेस, है ना,
तो ये अभी बस खा के फटाफट फीडबैक देते हैं। तो गाइस हमें मिल गया ऑटो जाते जाते और मैं सही पहुँचा ऑप्टिक का, हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बैड था, बहुत मज़ा नहीं आया क्योंकि हमें सूट नहीं करा क्या था पता नहीं, बट मज़ा नहीं आया। तो वह रूम में तो आ गए थे और अब सीन क्या, कल है तमन्ना का बर्थडे, मतलब कि 12 बजे के बाद 10:30 हो गए रात के। तो अभी क्योंकि यहाँ डिलीवरी मिलनी थी केक की, तो मैंने रिसेप्शन में कॉल करा, उसको बोला कि किसी को भेज के अपने स्टाफ में से सौंपा। तो अभी नीचे गया था तो उसको चॉकलेट पसंद है, चॉकलेट फ्लेवर में जो भी मिले, अगर नहीं मिलता इनकेस तब मैंने बोला पाइन एप्पल जो भी मिला, बट केक काटना है उसके पास। देखो अब वो गए हैं, मैंने नाम नाम दिया है, तो थोड़ी देर 12 बजे उसका केक कटवा देंगे। और क्योंकि ऑनलाइन हमें कुछ मिल नहीं रहा था, स्विगी जोमेटो देख लिया आ नहीं रहा था, वहाँ से आते आते मैं भूल गया था, वरना आके ले नहीं सकता था क्योंकि चीनू और मैंने सरप्राइज कर रहा था। तो उन्होंने बोल दिया कि वो लेने गए हैं चॉकलेट फ्लेवर, एक कोन का केक मस्त, 12 बजे के बाद काट देंगे सब केक, हैप्पी बर्थडे बन जाएगा उसका। हाँ बस थैंक यू भैया, थैंक यू। तो गाइस उसके 12:10 रह गए हैं और उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तमन्ना को ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब नीचे बार बार क्या जाऊँ, बांधने से आगे ना अंदर रुकते ही ना अंदर जैसे रूम में घुसते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे एक जगह है तो वहीं रख दूँगा, तो फटाफट और 12:00 इस वक्त कटवाएंगे। तो गाइस 12 बज चुके हैं, हैप्पी बर्थडे तमन्ना, प्लान हो गया चौपड़ इस लड़की को ना, थोड़ा बोला पहले शक हो गया, तो फटाफट केक काटते हैं चॉकलेट केक। मम्मी पापा से बोलते हैं तो काटूंगा, मैं नहीं काट रहा अभी, मैंने मम्मी पापा को बोल दिया था नहीं कोई बात नहीं सुबह उठेंगे मैं काटूंगा। फाइनली डिसाइड हुआ, तो वरना कह रही है उन्हें मम्मी पापा के साथ काटना है, तो उस केक को हम सुबह काटेंगे। कैसा लगा फिर, नहीं सरप्राइज पसंद आया ना इसको अपना, क्यों नहीं आया, पसंद आएगा वही तो नहीं। तो गाइस आज के लोग यही करते हैं, होप यू लाइक द वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में जाके सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में।